हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू हिमांशीज वर्ल्ड। और आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ मीठी कचौरी। जी हाँ, ये स्वीट कचौरी है और सबको बहुत पसंद आएगी। और इसके अंदर बहुत अच्छे फ्लेवर्स डाले हैं मैंने। रोज़ का फ्लेवर डाला है, इलायची का फ्लेवर डाला है, केवड़ा का फ्लेवर डाला है और एक सीक्रेट चीज़ इस्तेमाल की है। तो आइए देखते हैं रेसिपी। और रेसिपी देखने से पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए फॉर मोर रेसिपीज़ लाइक दिस। तो देखिए व्यूअर्स, स्वीट कचौरी बनाने के लिए यहाँ मैंने ब्रेड ले लिए। ये कचौरी मैं ब्रेड से बनाने वाली हूँ, इंस्टेंट कचौरी है, बहुत ही आसान है। ये हाँ, मैंने शुगर ली है आधा कप। ये मैंने डेसिकेटेड कोकोनट मतलब नारियल का बुरादा लिया है आधा कप। थोड़े से बादाम ले लिए हैं ड्राई फ्रूट के लिए। और यहाँ मैंने रोज़ पेटल्स लिए हैं ड्राई, 2 चम्मच। और इसके अलावा ये मैंने केवड़े का एसेंस लिया है, आप कोई और एसेंस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ मैंने मिल्क पाउडर लिया है। तो आइए शुरू करते हैं ब्रेड की स्वीट कचौरी बनाना। तो देखिए व्यूअर्स, स्वीट कचौरी बनाने के लिए यहाँ मैंने ब्रेड ले ली है। इसको मैं क्रश कर लूँगी। इसको मैं खोए की जगह इस्तेमाल करूँगी। अगर आपके पास खोया है तो आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ मैंने ब्रेड को इस्तेमाल किया है, ये बिल्कुल खोए जैसा ही टेस्ट देगा। ये एक ट्रिक है, इसको मैंने बिल्कुल बारीक बारीक देखिए चूरा बना लिया है इसका। तो आइए इसके अंदर चीनी डाल लेते हैं। आधा कप मैंने चीनी डाली है। 2 ब्रेड के स्लाइसेस लिए थे मैंने, उनका चूरा बनाया। ये मैंने नारियल का बुरादा डाल लिया है इसमें आधा। देखिए रोज़ पेटल्स ले लिए हैं मैंने 2-3 चम्मच। इसमें फ्लेवर के लिए इस्तेमाल किया है, आप चाहे तो कोई और फ्लेवर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैंने क्रश करके इसमें डाल दी है। इसके अलावा ये मिल्क पाउडर लिया है, ये भी मैं आधा कप इसमें डाल दूँगी। मिल्क पाउडर और ब्रेड का चूरा मिल के खोए का टेस्ट देंगे बिल्कुल। ये देखिए, ये मैंने केवड़े का एसेंस ले लिया है। 5 से 7 बूंद इसके अंदर केवड़े का एसेंस डाल दूँगी, इससे इसका फ्लेवर बिल्कुल ही अच्छा हो जाएगा। और यहाँ मैंने बादाम ले लिए हैं और इलायची ले ली है, 2 इलायची ले ली है। इलायची को मैं इसमें पीस के नहीं डालूँगी, इसका सटल फ्लेवर चाहिए हमें, बिल्कुल डेंस फ्लेवर नहीं चाहिए, इसलिए मैं इसको काट के इसके सिर्फ दाने दाने डाल दूँगी। इसको पीस के नहीं डालिए, नहीं तो इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगा। इस कचौरी में दूसरे फ्लेवर सारे दब जाएंगे। तो देखिए इलायची भी मैंने खोल के एक डाल दी है, अब दूसरी इलायची भी खोल के डाल दूँगी। इसके सिर्फ दाने इस्तेमाल करूँगी मैं। आइए अब बादाम भी हम काट के डाल देते हैं। ये मैंने बादाम लिए हैं, आप चाहें तो इसकी जगह काजू ले सकते हैं, आप चाहें तो इसकी जगह पिस्ता भी ले सकते हैं, ये आपके ऊपर है। मेरे को बादाम अच्छी लगती है इसमें, तो इसलिए मैंने बादाम डाली है। तो ये सारी की सारी बादाम मैं बारीक बारीक टुकड़ों में काट के डाल दूँगी। अब इसको हाथ से मिक्स कर लेंगे अच्छे से, और मेक श्योर कि कहीं एक साथ चीनी के बहुत डल्ले ना बन जाएँ, ये एक साथ मिक्स हो जाना चाहिए बिल्कुल अच्छे तरीके से। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ ये कितने अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है हमारा मिश्रण। तो ये अब हमारा मिश्रण रेडी है। तो आइए कचौरी बनाने के लिए इसको थोड़ा डेंस होना चाहिए, तो मैं इसके अंदर 2 छोटे चम्मच ठंडा दूध डालूंगी। याद रखिए ठंडा दूध मिक्स कीजिएगा, गर्म दूध मत मिक्स कीजिएगा। और इसको फोक की सहायता से मैं मिक्स कर लूँगी दबा दबा के, ताकि एक ही सॉलिड मिक्सचर टाइप बन जाए। देखिए ये थोड़ा आपस में जुड़ने लगा है, अब बिल्कुल बुरादा नहीं रह गया है। हमें ऐसा ही मिक्सचर चाहिए कचौरी में बनने के लिए। तो ये बिल्कुल रेडी हो गया है, आइए कचौरी बना लेते हैं। कचौरी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ब्रेड के स्लाइस मैंने यहाँ ले लिए हैं। अब इनके साइड्स हम निकाल देंगे, क्योंकि इसके साइड्स मैं इस रेसिपी में इस्तेमाल नहीं करूँगी। तो बिल्कुल ध्यान से बारीक बारीक साइड्स निकालने हैं। यहाँ मैंने बड़े साइज़ की ब्रेड ली है, आप चाहें तो छोटे साइज़ की ब्रेड भी ले सकते हैं, पर उससे फिर कचौरी बहुत छोटी बनेगी और वो अच्छी भी नहीं लगेगी देखने में। तो देखिए यहाँ मैंने सारे के सारे जो ब्राउन साइड्स थे वो निकाल लिए हैं बहुत अच्छे तरीके से। और यहाँ पे मैंने ब्रेड स्लाइस ले ली है, अब इसको मैं थोड़े पानी में डिप करूँगी और बहुत जल्दी ही सारा पानी इसका प्रेस करके अच्छे से निकाल दूँगी। जितना हो सके प्रेस करके अच्छे से पानी निकाल लीजिए। अब एक अच्छी अमाउंट में 1 से 1.5 चम्मच इसके अंदर मसाला भर देंगे हम। और स्टफिंग अच्छी भरिए, कम स्टफिंग मत भरिए, नहीं तो टेस्ट अच्छा नहीं आएगा कचौरी का। और इसको अब साइड्स को बीच में लेके और ऐसे इसको कवर करते जाएंगे। आप देख ही रहे होंगे बहुत ही इजी है, अगर कोई साइड्स खुला रह जाता है तो प्लीज़ उसे पिंच करके आप कवर कर सकते हैं। अच्छे से इसको कवर कीजिए और हाथ की सहायता से प्रेस करते हुए एक अच्छी शेप बना लीजिए। साइड्स को भी आप अच्छे से प्रेस कर सकते हैं। और देखिए हमारी कचौरी बिल्कुल तैयार हो गई, कितनी सुंदर कचौरी बनी है। तो इसी तरीके से मैं बाकी सारी कचौरियाँ भी बना लूँगी और मसाला भरती जाऊँगी और अच्छे से प्रेस करके फिर उनको हाथ से दबा दबा के अच्छा शेप दे दूँगी।
देखिए व्यूवर्स, कचौरी हमारी बिल्कुल तैयार हो गई है बनके, पर इनको तलने से पहले हमें थोड़ी सी देर के लिए साइड में रखना पड़ेगा ताकि इनकी जो स्किन है वो फॉर्म हो जाए, और बिल्कुल फॉर्म स्किन के साथ ही इनको फ्राई करना होगा ताकि ये बहुत ही खस्ता बने। तो ये देखिए कितनी सुंदर और प्यारी कचौरियाँ तैयार हो गई है बनके, तो इनको थोड़ी सी देर के लिए मैं साइड में रख देती हूँ। देखिए ऑयल गरम हो गया है, मैंने छोटा सा ब्रेड का स्लाइस डाल के इसको टेस्ट कर लिया है, ऑयल हमारा बिल्कुल गरम है। तो आइए इसके अंदर कचौरियाँ फ्राई कर लेते हैं। देखिए कचौरियाँ बिल्कुल सेट हो गई हैं, अब 10 मिनट मैंने इनको साइड में रख दिया था, और अब देखिए इनको फ्राई कर लेते हैं हम। ये मीडियम आँच पर फ्राई करनी है कचौरियाँ, फुल आँच पे फ्राई मत कीजिएगा नहीं तो एकदम से जल जाएगी, और धीमी आँच पे भी नहीं फ्राई करना है। अगर ये कचौरियाँ आपकी चिपक रही हैं एक दूसरे से तो थोड़ी सी देर के लिए इसको खुली हवा में और रख दीजिए ताकि इसकी स्किन थोड़ी सी ड्राई हो जाए और फॉर्म हो जाए। मीडियम आँच पे ये कचौरियाँ सिक के तैयार हो गई है हमारी, इनको हम निकाल लेते हैं टिश्यू पेपर पर ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो एब्जॉर्ब हो जाए। आइए अब इन कचौरियों को एक मैं बाउल में निकाल दूंगी, क्योंकि हमने स्वीट कचौरी बनाई है तो इसके आउटर स्किन को भी थोड़ा स्वीट होना ज़रूरी है। थोड़ी सी चीनी को मैंने यहाँ पीस लिया है और पाउडर बना लिया है, आपके पास पाउडर चीनी हो तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कचौरियों को हम इसके अंदर कवर कर लेंगे थोड़ी से पाउडर शुगर के अंदर, और अब इसकी आउटर स्किन भी स्वीट हो गई है। तो आइए कचौरियों को अब हम सर्व कर लेते हैं। देखिए कचौरियों को सर्व करने के लिए यहाँ मैंने एक बहुत अच्छा सा प्लेटर तैयार किया है, हार्ट शेप का प्लेटर है, इसके अंदर मैंने रोज लीव्स जो ड्रायर पेटल्स थी उससे सजा दिया है, और ये हमारी स्वीट कचौरियाँ बिल्कुल तैयार है खाने के लिए। देखिए व्यूअर्स, आपको एक कचौरी खोल के दिखाती हूँ। देखिए अंदर से ये सॉफ्ट है कचौरी, और बाहर से बहुत ही कुरकुरी और क्रंची है, और ये मैंने खा के देखी है, यम्मी बनी है। आई एम श्योर आप भी ट्राई कीजिए, आपको भी अच्छी लगेगी। तो व्यूअर्स, अगर आपको ये कचौरी की रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और आप हमारी ये रेसिपी अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर किसी ऐसी रेसिपी के साथ, तो तब तक के लिए बाय। और आपको अगर ये इनमें से कोई रेसिपी पसंद आ रही है तो आप उसे क्लिक करके देख सकते हैं। थैंक यू।